आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट अ रियल एस्टेट बिजनेस, या रियल एस्टेट बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, एज एन इन्वेस्टर भी, और या फिर एज अ ब्रोकर, या एज एन एजेंट भी, या आप कह सकते हो एज अ प्रॉपर्टी डीलर भी। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल योर प्रॉपर्टी शो में, जहाँ पर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कि रियल एस्टेट में आप किस तरह से वर्क कर सकते हो, रियल एस्टेट में आप किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आपको पता चलेगा, अगर आप कस्टमर हैं या क्लाइंट हैं, आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और या फिर आप ब्रोकर हो, एजेंट हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को, रियल एस्टेट के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, या फिर आप इन्वेस्टर हो और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उससे रिटर्न पाना चाहते हो, तो वो भी किस तरह से कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड इस चैनल में जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यही इस चैनल का मोटिव है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे दूसरे चैनल में हमें बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत सारा प्यार दिया, जिस चैनल का नाम है प्रॉपर्टी 2050। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें वहाँ पे देखा है, हमारी पूरी टीम को वहाँ पे देखा है। और तो बहुत सारी टीम से अभी आप वाकिफ नहीं हुए हैं, जल्द ही आप उनसे भी मिलेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट अ रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। आइए इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट के काम को स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ है, या तो आप एज एन इन्वेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट के काम में उतर रहे हैं और एज एन इन्वेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर एज एन इन्वेस्टर आप रियल एस्टेट के काम को करते हो, तो शुरुआती तौर पे तो आपको ये देखना है कि आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी रीजनेबल रेट पे कहाँ मिल रही है। सबसे पहला आपको काम यही करना है, उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कीजिए। लेट्स सपोज आप लैंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सर्च करिए कि सस्ती लैंड कहाँ मिलेगी और जिसका भविष्य में एप्रिसिएशन हो, उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। बाद में कुछ सालों बाद, लैंड के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाता है, अगर आप इसे सेल करना चाहते हो तो 4 से 5 साल तक आप इसे होल्ड कीजिए। जो एनुअल एप्रिसिएशन आपको मिलता है प्रॉपर्टी पे, वो 12 से 18% के बीच में मिलता है। तो बाद में आप 4 साल 5 साल बाद होल्ड करके उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, उससे पहले आपको प्रॉपर्टी रिटर्न दे रही है, तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो एज अ ब्रोकर, एज एन एजेंट या एज अ प्रॉपर्टी डीलर, तो आप सबसे बेस्ट तरीका क्या कर सकते हो कि सबसे बेस्ट तरीका क्या करना है आपने, आपको पहले तो एक लाइसेंस लेना है। जी हाँ, आपको पहले सबसे पहले एक लाइसेंस लेना है, और लाइसेंस लेके अपना वर्क स्टार्ट करना है। सर्च करिए नियर बाय कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सेलर हैं जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, उनको उनसे बात कीजिए कि मैं आपकी प्रॉपर्टी सेल कराऊंगा। और जो भी मार्केट के जो कमीशन स्लैब रहती है मार्केट में, जो आपका मार्केट नॉर्म्स कहता है, उस हिसाब से आप उनसे प्राइस डिसाइड कर सकते हैं या उनसे कमीशन ले सकते हैं, अगर आपने उनकी प्रॉपर्टी सेल करा दी। तो ये तो पहला तरीका है। पहला क्या करना है, आपने लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेके, लाइसेंस आपका रेरा का मिलता है, उससे आप रेरा ऑथराइज प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो। अगर वो नहीं है, तो आप एज अ नॉर्मल किसी के साथ या एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा स्टार्ट करने के लिए, जब आपके पास धीरे धीरे करके इनकम जनरेट होने लग जाएगी, उसके बाद आप लाइसेंस ले सकते हो। जब आपको लगेगा कि आई हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी, नाउ आई कैन गेट अ लाइसेंस डन, तो तब आप लाइसेंस ले सकते हो। और अपने प्रॉपर्टी सेलर से कॉन्टैक्ट करना है जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और उनसे कॉन्टैक्ट करके उनकी प्रॉपर्टी को राइट क्लाइंट तक पहुंचाइए, राइट कस्टमर तक पहुंचाइए जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीका है एज अ ब्रोकर, एज एन प्रॉपर्टी डीलर, एज एन एजेंट काम करने का। इसको किस तरह से करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं। आप, हो सकता है आपके मन में ये भी सवाल होंगे कि सर क्लाइंट कहाँ से ढूंढेंगे, कस्टमर कहाँ से ढूंढेंगे, तो इसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप क्लाइंट या लीड या इस तरह की चीज़ें जनरेट कर सकते हो। वो आपको इसी चैनल में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि
किस तरह से आप क्लाइंट लीड वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, एक बार आपको रिजल्ट मिलने चालू हो गए तो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ उसमें लिस्ट कर सकते हैं। जब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट करने लग जाएंगे उसके बाद आपको इंक्वायरी आना चालू हो जाएगा, और अपने नियर एंड डियर में भेजिए उस प्रॉपर्टीज़ को जो आप जो आपने लिस्ट कराई है। और माउथ पब्लिसिटी भी आप कर सकते हो अपने प्रॉपर्टीज़ की जो आपने लिस्ट करा रखी है, या इंडिविजुअल भी आप बात कर सकते हो लोगों से कि आई हैव स्टार्टेड रियल एस्टेट बिजनेस और मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, तो इस तरह से भी आप वर्क कर सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो एज एन इंडिविजुअल आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में कई सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों एक और तरीका है, देयर इज़ वन मोर मेथड जिसको हम बोलते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज़ का। अगर आप सेल परचेस नहीं करना चाहते हैं, सेल परचेस आपको सूट नहीं करता, तो आप रेंटल वर्क भी कर सकते हैं। रेंटल वर्क में आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ अगेन प्रॉपर्टी जो रेंट करना चाह रहा है उनको सर्च करना है, और आपको पैरेलली वो क्लाइंट ढूंढने हैं जो जिनको आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे सको। और उसमें कई जगह क्या रहता है, 15 डेज का पेमेंट स्लैब रहता है। लेट सपोज़ आपने मंथली रेंटल चढ़ाया 20,000 का, तो आपको 10,000 रुपये का फ्लैट कमीशन मिलता है दोनों एंड से, जो रेंट चढ़ा रहा है वो भी और जो आपको जो रेंट ले रहा है वो भी, तो दोनों तरफ से आप 50% का पेमेंट ले सकते हो पर मंथ का, पहले मंथ का। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप रियल एस्टेट का वर्क स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरह से रियल एस्टेट के वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। अगेन एज एन इन्वेस्टर इफ़ यू आर स्टार्टिंग, तो सर्च करिए कि रीजनेबल प्रॉपर्टीज़ कहाँ मिलेगी जिसको भविष्य में आप सेल कर सको या अप्रिशिएट करके आपको चीज़ें मिल जाएं, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आप सर्च कर सकते हो इफ़ यू हैव गुड बजट, अच्छा इन्वेस्टमेंट बजट है आपका। और एज अ ब्रोकर, एज एन एजेंट, एज अ प्रॉपर्टी डीलर आप क्या कर सकते हैं, अगेन लिस्ट दी प्रॉपर्टी, सर्च दी प्रॉपर्टी सेलर, उनकी प्रॉपर्टी को बेचने में मदद करें और अपना कमीशन जनरेट करें, और या फिर रेंटल प्रॉपर्टी चढ़ाएं और उस पर 15 डेज का अपना कमीशन चार्ज करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप रियल एस्टेट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।